बट अज भी फार्मर जिहड़ा दुकान ते आके साडे सामने कहिंदा मैं वी एमएल करदा मैनूं रिजल्ट मिलदा, असीं कदे वी उहनूं ऐ नहीं कहिंदे वी ती एमएल कर। जिहड़ा तुसीं डोज दी रिकमेंडेशन दी गल कीती कि नेटिव जिहड़ी 80 ग्राम जिहड़ी रिकमेंडेशन है, असीं 160 ग्राम रिकमेंड करते, 120 भी नहीं 160 ग्राम दी रिकमेंडेशन है साडी। बीमारी केड़ी फसल च ज़्यादा होंदी वैसे, कणक च या झोने च? झोने से ज्यादा आती है। ठीक है जी, और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहो जहा दर है इंडिया के आप गल करिए कि वो है नहीं कि कोई भी ऐरी गैरी कंपनी जाके कोई पैसे दे के कुछ करके उत्ते तुसी अपना बुक से लिखा लोगे कुछ? ठीक है, जग न्यूज़ देखने वाले सारे दोस्तों मित्रों सत श्री अकाल नमस्कार। दोस्तों जेकर तुसी साडे चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो हुणे कर दिओ, पूरी खबर देखने लई खबर दे अंत तक जरूर जाओ। जग न्यूज़ देखने वाले सारे दोस्तों मित्रों जगदीप सिंह कैंत वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों अज आपां चर्चा करन जा रहे हाँ किसानां नाल संबंधित एक खबर के उत्ते। लागले पिंड अंबड़ा विखे किसान जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। सो दोस्तों कैंप का आयोजन बायर क्रॉप साइंस कंपनी के वलों किया गया सी। सो इस कंपनी वलों किसानों नू फसलों के विच कीतियां जांदियां स्प्रेहां बारे जानकारी दी गई। कारण की है भी प्रोपर फार्मर रिजल्ट मिले, बट अज भी फार्मर जो दुकान पर आके साथ सामने कहते मैं भी एमएल करता मैं रिजल्ट मिलता, असं कदे भी उन्होंने ए नहीं कहते भी ती एमएल करो। एक जनरल मैसेज दिता कि ती एमएल की करो, आ गई अटैक। बिल्कुल जी, मोस्टली फार्मर उदो ही करते हैं। राकेश सत श्रीकाल जी सारा, मैं संजय चौधरी एक बार फिर थोड़ा जयन करता। जिहड़ा तुसीं डोज दी रिकमेंडेशन दी गल कीती कि नेटिव जिहड़ी 80 ग्राम जिहड़ी रिकमेंडेशन है, असीं 160 ग्राम रिकमेंड करदे, 120 भी नहीं 160 ग्राम दी रिकमेंडेशन है साडी। जिहड़ी तुसीं पैकेज एंड प्रैक्टिस पढ़ना, जिहड़ी कणक ते डोज पढ़ी, किसी ने किन्नी डोज रिकमेंडेड है पढ़ी है? वैसे नहीं पढ़ी है। बीमारी केड़ी फसल च ज़्यादा होंदी वैसे, कणक च या झोने च? झोने च ज्यादा आती है। मौके ते पहुंचे हुए डॉक्टरां ने किसानां नूं दस्सिया कि कंपनी किसी भी स्प्रे नूं एक तजर्बे तो बाद ही मार्केट विच पेश करती है ते उस नूं कई पड़ावां दे विचों लंघना पैंदा है। और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहो जिहा दर है इंडिया दे विच आपां गल करिए कि वो है नहीं कि कोई भी ऐरी गैरी कंपनी जाके कोई पैसे दे के कुछ करके उत्ते तुसी अपना बुक से लिखा लोगे कुछ? ठीक है, उन्हें जानकारी दित्ती कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किसी भी दवाई नू पास करन तों पहला उसके कई तरह के टेस्ट करती है, जिस नाल वो ये भी चैक करते हैं कि जिथे ये दवाइया किसी बीमारी की रोकथाम के लिए जिहड़ी खेतों में पाई जानी है उत्थे ही इन्हां दा फसल दे झाड़ दे उत्ते किहो जिहा अते जमीन दी मिट्टी दे उत्ते किहो जिहा असर पवेगा, इस बारे भी PAU दे विज्ञानी देखदे हन। मौके ते पहुंचे हुए डॉक्टरां ने दस्या कि किसानां नूं चाहीदा है कि दवाइयां दे नाल दित्ते गए परचे भाव मैनुअल नूं पढ़न तों बाद ही स्प्रे करन। उन्हां इह वी जानकारी दित्ती कि इस उत्ते साफ साफ लिखिया हुंदा है कि किस फसल दे विच किन्नी मात्रा दे विच
स्प्रे करनी है अते किसे भी स्प्रे करने लई किन्ने पानी दी मिकदार जरूरी है। उन्हें कहा कि ए पीएयू द्वारा पास कीतिया गई दवाइया ही खेतों विच पाउनिया चाहीदियां हन जिस नाल फसल दे उत्ते भी ज़्यादा जहर दा असर नहीं हुंदा अते जमीनी मिट्टी भी दी उपजाऊ शक्ति नूं भी बरकरार रख्या जांदा है। बायर क्रॉप साइंस दे डॉक्टरां ने यह भी सलाह दित्ती कि जदों भी किसान स्प्रे करदे हन जां किन्नी मिकदार पाउणी है इस बारे उन्हां नूं तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलदा तां उन्हां नूं पीएयू दे डॉक्टरां दे नाल साइंटिस्टां दे नाल ही संपर्क करना चाहिदा है। इस मौके किसानां ने भी अपने सवाल बायर कंपनी दे डॉक्टरां दे सामने रखे। किसानां ने हर तरह नाल उन्हां तों इह स्पष्ट करन दी कोशिश कीती कि वह अपनियां फसलां नूं किस तरीके दे नाल उन्हां दे झाड़ दे विच वाधा कर सकते हैं अते किस तरीके दे नाल वह घट खर्चे दे उत्ते ज़्यादा पैदावार लै सकते हैं। बायर क्रॉप साइंस कंपनी दे डॉक्टरां ने दस्या कि किसानां नूं चाहीदा है कि वह समय सिर ही स्प्रे कर देन तां जो मौके दे उत्ते जिहड़ी बीमारी फैल रही हुंदी है जेकर असी उस नूं शुरुआत दे समय दे विच ही स्प्रे कर देंदे हाँ तां उस दा फसल दे उत्ते ज़्यादा मारू असर नहीं हुंदा। आओ देखदे हाँ मेरे सहयोगी मनजिंदर सिंह चक नाल होई ये सारी गलबात। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं बायर क्रॉप साइंस वालों मेरे नाल मिस्टर संजय है साढ़े मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर रोमित ते नाल अपने डीलर भरा गोल्डी जी। सो अज आप जो सैमीनार लाया जो फार्मर्स वास्ते लगभग जोड़ा है 125 फार्मर्स ने जो पार्टीसपेट किया तो इतने आप जो झोने बारे जी सारी गल्ला बात की कि बीमारियां आदि है कि कीड़े आते गए हैं उन्होंने आप रोकथाम किमें कर सकते हैं इतने आप फार्मर्स दसा जो झोने से वाइगो स्प्रे कर टीवो स्प्रे करबिक्स प्रो तेले वाली जी अपनी नवी दवाई है वह स्प्रे कर जे स्प्रे करते हैं तो फार्मर का झोना जो बड़ा ही तंदुरुस्त रहा है तो जरा झाड़ के बहुत जो फायदा उन्होंने जी है 150 तो ज़्यादा पुरानी कंपनी की बायर जी है तो फार्मर्स लगातार जोड़े है बहुत ही वधिया प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करती पी है। हूँ जो अपना नया प्रोडक्ट भी इस बार जो तेले वास्ते है करबिक्स प्रो है जो दिता आप जो कि तेले को बहुत ज्यादा वधिया तरीके कंट्रोल करता है नाल ही नटीवो जो अपना आ रहा है वो जो फार्मर बहुत वधिया फंगीसाइड है जोड़ा कि जो फंगस को प्रोपर वे कंट्रोल करता है सारी बीमारियों के उत्ते प्रोपर वे जोड़ा है रोकथाम करता है नाल अपनी जी आप वाइगो दी है वाइगो जी है गोभ की सुंडी के पत्ता पेट वास्ते बहुत ही जी कारगर दवाई हैगी है। सो मैं बेनती करूँगा सारे किसान भरावों को ये दवाई जरूर वरत के देखो तो ये जो जो बहुत ज़्यादा जो फायदे मिलते हैं। तो बायर के जिन्हें भी उत्पाद है चाहे नैटिओ की आप गल करिए फेम की गल करिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों रिकमेंडेड है और पंजाब तो सिफारिशुदा प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट किसान मिलते हैं। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी जोड़े प्रोडक्ट हैं नैटिओ तो फेम जोड़े रिकमेंड करती है जो कि किसान की भलाई के पिछे उन्होंने लंबे रिजल्ट से वधिया रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों तुसीं सुनिया किवें किसान अपनियां फसलां नूं घट खर्चे दे उत्ते वधेरे मुनाफा कढ सकदा है अते समय समय ते आ रही बीमारियां तों किवें अपनी फसल नूं बचा सकदा है। सो ये खबर किसानां वास्ते किन्नी क ज़्यादा लाहेवंद होवेगी कमेंट करके सानू जरूर दस्यो। असी ये भी आस करते हाँ कि जेकर तुहानू साडी खबर चंगी लगी तां तुसीं अपने दोस्तां मित्रां नूं जरूर भेजोगे। जेकर तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तां ये भी जरूर कर दिओगे क्योंकि असीं तुहाडे तक लियांदे रहिंदे हाँ नवीआं ते ताज़ा खबरां तां जो तुहानू पता लग सके कि तुहाडे आस पास दे विच की हो रहा है। साडे नाल जुड़े रहने लई तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। फिर मिलांगे एक नवीं खबर दे नाल।